स्टार्टिंग अ न्यू ब्लॉग। आई होप आप लोग को लास्ट ब्लॉग पसंद आया होगा। हिडिंबा टेम्पल में हम लोग हैं एंड अभी भी मैं हिडिंबा टेम्पल में हूँ। लास्ट ब्लॉग आपने हिडिंबा टेम्पल वाला ही देखा है एंड आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। काफ़ी चीज़ें कवर करी है मैंने, तो एक एक चीज़ मैंने प्रॉपर तरीके से कवर करी है, तो उसमें कुछ लगा हो आपको तो आप कमेंट करके बता सकते हैं मुझे। एंड अभी फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं, दो तीन लोकेशन अभी और है, क्लब है एंड मोनेस्ट्री, बेटियन मोनेस्ट्री है, तो वहाँ पे जाना है। उसके बाद शायद मॉल रोड है वापस से, अगेन देखेंगे। मॉल रोड का तो एक्सप्लोर किया बट फिर भी और अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। अभी फ़िलहाल यहाँ से निकलते हैं हिडिंबा टेम्पल से एंड अभी दूसरी लोकेशन पे चलते हैं अपने। ऐसे बैठते हैं, म्यूज़िक बजाते हैं। ज़्यादातर गाइस यहाँ पे कपल्स हैं एंड फैमिली हैं, सोलो वाले तो मेरे को एक आधी दिखे। अभी इतना प्लेजेंट वेदर हो गया ना, इतना प्लेजेंट वेदर होना, मतलब हल्की हल्की ठंड लगने लगी है अब, हल्की हल्की, बहुत प्यारा हो गया। और ये है अभी भी हिडिंबा टेम्पल में ही हैं हम, तो आप एक बार और देख लो। एंड ये है हिडिंबा टेम्पल का मार्केट है। अभी यहाँ से हम लोग नीचे चलते हैं अपने गाड़ी की तरफ, बट यहाँ पे बहुत अच्छा किया हमने ऊपर नीचे ही गाड़ी रख दी, क्योंकि यहाँ पे बहुत बहुत जाम रहता है ऊपर। आप देखो ना ये कैसे चढ़ाई है। ऐसे स्ट्रीट फूड बहुत सारे हैं, शॉप्स बहुत सारी हैं, इन्हें चढ़ाइए देखो। अभी आज देखेंगे टिबेटन मोनेस्ट्री जाएंगे या क्लब हाउस जाएंगे, देखेंगे कहाँ पे जाते हैं, तो ड्राइवर को पूछना पड़ेगा। तो सारा प्रॉपर फीडबैक तो मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के दिखाऊंगा, बट अभी जितना पॉसिबल हो रहा है और जितना मैं समझ पा रहा हूँ वो पूरी चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ, एक एक चीज़ दिखा रहा हूँ मैं आपको। आई होप आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। वॉक करना थोड़ा ज़्यादा है इधर, तो गाड़ियाँ अगर आप कहीं पार्क करते हो तो आपको थोड़ा वॉक साइड पर करना पड़ता है, एंड क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा आप अंदर तक गाड़ी लेके जाओगे तो जाम में फंस जाओगे, डोंट हैव एनी ऑप्शन। इससे बेटर तो वॉक कर लो, जो मैंने अभी वही किया, गाड़ी साइड में लगा दी एंड वॉक करके ऊपर आ गए। मेन बात क्या, जाम में फंस के अपना टाइम बर्बाद करने से तो कोई अच्छा ही है यार। अभी हम लोग हिडिंबा टेम्पल से निकले हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं क्लब हाउस। तो क्लब हाउस यहाँ से मेरे ख्याल से 5-10 मिनट का रास्ता है एंड वहाँ जाके देखेंगे क्या क्या है, दिखाने जैसा एक्सप्लोर कराएंगे आपको। हिडिंबा टेम्पल आपने देख लिया ऑलरेडी, आई होप आपको पसंद आया होगा। एक एक छोटी छोटी चीज़ बताई है मैंने आपको। अभी यहाँ से निकल के सीधा क्लब हाउस एंड क्लब हाउस से फिर जाएंगे टिबेटियन मोनेस्ट्री। तो ये दो लोकेशन है एंड बाद में देखते हैं आगे का क्या प्लान है। ये क्लब हाउस वाला रास्ता, और ये देखो यार यहाँ पे, यहाँ ये पूरा जिपलाइन करवाते हैं। हाउ प्रिटी द व्यू इज ना, क्लब हाउस है ये, क्लब हाउस के पास ये जिपलाइन करवाते हैं। ये है क्लब हाउस मनाली का, यहाँ पे सब स्ट्रीट वेंडर्स हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जाम लगा है इसके लिए हमें पैदल पैदल ही आ गया। 25 रुपये की गाइस टिकट है यहाँ पे क्लब हाउस के लिए, लेके देखेंगे क्या है क्या नहीं, अंदर ज़रूर जाएंगे। यहाँ है गाइस क्लब हाउस, वो आपको दिख रहा होगा। भीड़ बहुत है यार, हर जगह बहुत भीड़ है। संडे है ना, संडे सब टूरिस्ट आए हुए, यहाँ से भी व्यू बहुत बढ़िया आ रहा है। व्यू तो यार हर जगह से आ रहा है। 25 रुपये की टिकट है क्लब हाउस में एंट्री की एंड यहाँ से बहुत प्यारा व्यू है, बहुत पूरा स्ट्रीट पे सब चीज़ें हैं यहाँ पे एंटर करके। जी सब ऐसे शॉप्स बहुत सारी हैं यहाँ पे, यहाँ से एंट्री है क्लब हाउस। गैलरी मोस्टली मेरे ख्याल से क्लब हाउस में शॉप्स हैं, ये क्राफ्ट गैलरी है, एग्जीबिशंस हैं, ऑल सीजन कपड़े हैं यहाँ पे। चल के देखते हैं, क्राफ्ट गैलरी में चलते हैं पहले।
क्राफ्ट मार्केट आप ऐसे चीज़ें ले सकते हैं, यहाँ से परचेज कर सकते हैं, फिक्स प्राइस है यहाँ पे। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, पर्स है, लेडीज पर्स है, हैंडमेड चीज़ें बहुत है यहाँ पे। चलो अभी जल्दी करने यार, बोल जल्दी। इधर से आके मेनली तो यार गाइस मार्केट ही है, आपको अगर कुछ पसंद आए तो वुलन के या लेडीज़ के काफ़ी ज़्यादा कपड़े और चीज़ें हैं, यूनिक थोड़ी कुछ लगे तो आप ले सकते हैं। मैंने कुछ नहीं लिया अभी फ़िलहाल, मुझे कुछ पसंद नहीं आया। यहाँ रेस्टोरेंट भी है एंड मेनली तो यार यहाँ पे कपड़े कपड़े शॉपिंग के ही सेंटर है और गेम जोन है, क्लब हाउस है। एक्चुअली क्लब हाउस में जो होता है वो है ये। पूरा नीचे उतर के एक और मार्केट है, यहाँ पे सेम चीज़ें हैं, शॉपिंग सबके पास सेम आइटम्स हैं, ऐसी शॉप्स हैं बहुत सारे। यहाँ से यार आप जस्ट चेकआउट दिस व्यू यार, जिप लाइन होती है यहाँ पे, सब लोग अलग अलग तरीके से करवाते हैं। बढ़िया में ऐसी छोटी छोटी जगह बहुत हैं, ये देखो जैसी है ना, आराम से बैठ सकते हो थोड़ी देर पीसफुली। अभी हम हैं क्लब हाउस में और मेरे पीछे बहुत बढ़िया व्यू है, इसलिए मैं थोड़ी देर यहाँ पे बैठा हूँ। क्लब हाउस में बेसिकली वैसे कुछ खास नहीं है, खास मुझे इसलिए नहीं लगा क्योंकि यहाँ पे सारी शॉपिंग सेंटर ही है, ये सारी चीज़ आपको मॉल रोड पर ऑलरेडी सब देखने मिल जाएंगी, तो ऐसा कुछ खास वैसे स्पेशल आने जैसा नहीं है। बट ठीक है, वो फर्स्ट टाइम जो आ रहे हैं तो उनको तो यार घूमने का क्रेज़ रहता ही है, मेरे को वैसे ही था तो मैं भी इसलिए वो सोच के आया इधर। बट आई विल नॉट से कि क्लब हाउस में आना चाहिए अगर आपको टाइम सेव करना है तो, बाकी अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ शॉपिंग करने जैसा है तो आप ज़रूर आ सकते हो। बेसिकली एक तिबेटियन मार्केट जैसा है, वहाँ पे आपको वुलन के क्लोथ्स और ये सारी चीज़ें मिलेंगी, तो जैसा और कुछ नहीं है, मतलब घूमने जैसा कुछ नहीं। और इधर यहाँ पे ज़िप लाइन ज़्यादातर होती है, तो यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको ज़िप लाइन का। पहले तो यार आप ये व्यू चेकआउट करो, मतलब ये प्यारा व्यू है ना, ये रोज़ रोज़ देखने नहीं मिलता है हमें, तो ये व्यू आप देखोगे ना यहाँ पे, ये जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखो ये ज़िप लाइन होती है, तो ऐसी अलग अलग एक्टिविटीज़ करवाते हैं, फन एक्टिविटीज़ करवाते हैं, तो जैसे यहाँ हो रही है, बहुत सारे यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग वेंडर्स हैं एंड आप यहाँ बैठ सकते हो जैसे जहाँ मैं बैठा हूँ यहाँ पे, बस आप एंजॉय कर सकते हो व्यू को, और कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं। अगर आप शॉपिंग करना चाहते हो तो कर सकते हो, बाकी मेनली तो हाँ ये व्यू है, ये कह सकते हैं कि दिस इज़ द बेस्ट थिंग इन क्लब हाउस। पास में से व्यू देखना था तो यार ये भी देखने को मिल गया। अगेन आप सेफ रहें, क्योंकि अगर आप यहाँ पे आते तो थोड़ा वैसा रास्ता, एक अच्छा रास्ता है, तो थोड़ा आपको सेफ रहना, चलना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि ये नदी के बिल्कुल किनारे पे है, तो मैं बिल्कुल सेफली बैठा हूँ, तो आप भी अपनी सेफ्टी का ध्यान रखते हुए आएँ। और अगर शॉपिंग करनी, अगर आप मेनली शॉपिंग करने के लिए सोच रहे हो तो आप क्लब हाउस एक बार आ सकते हो बिल्कुल, फिर आने का मतलब है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अलग अलग चीज़ें हैं, लोकल चीज़ें हैं, लोकल ट्रेडिशनल चीज़ें हैं यहाँ पे, और डेकोरेटिव आइटम्स है, गिफ्ट वाली जो होती है बहुत सारी, वैसे तो सारी जगह मिलती है बट यहाँ पे भी है, तो वो भी आप ख़रीद सकते हो। रेस्टोरेंट है, मंचिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, स्ट्रीट फूड है, बहुत चीज़ें हैं, मोमोज और ये सब मिलता है, नूडल्स, वो सब भी आप एंजॉय कर सकते हो। अभी क्लब हाउस में हम जाके आ चुके हैं, यहाँ से निकल गए एंड अभी हम जा रहे हैं टिबेटियन मोनेस्ट्री, वहाँ जाके देखेंगे क्या है, कैसा है, क्या नहीं है। अभी हम लोग फिर से आ गए हैं अपने मॉल रोड पे, क्योंकि वो जो टिबेटियन मोनेस्ट्री है वो मॉल रोड पे ही है, तो यहाँ पे तो गाड़ी आती नहीं है गाइस। यहाँ कल आपको घुमाया था अगर आपको याद हो तो लास्ट, अभी भी हम मॉल रोड पे ही हैं। मॉल रोड इज़ अ सेंटर ना गाइस, इसके लिए यहाँ पे आना ही पड़ता है, ये रोज़ देखने मिलेगा भाई आपको। टिबेटियन मोनेस्ट्री का रास्ता है यहाँ से, देखो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री यहाँ से आगे दिखा रहे हैं, ये भी मॉल रोड का पीछे वाला रास्ता है, पूरा मार्केट। ये फ्लैट्स इतने बढ़िया लग रहे हैं ना यहाँ पे, ये है टिबेटियन मोनेस्ट्री, यहाँ से एंट्रेंस है।
दिस इज द बुद्धिस्ट टिबेटियन मोनेस्ट्री। आगे जाके देखते हैं क्या क्या देखने को मिलता है। गाइस टिबेटियन मोनेस्ट्री एंट्रेंस। गाइस टिबेटियन मोनेस्ट्री अंदर से। टिबेटियन मोनेस्ट्री अंदर से मैंने आपको दिखा दिया, ज़्यादा अलाउड नहीं था बोलना क्योंकि साइलेंट जगह है। बुद्धिस्ट अंदर टेंपल है, आपने देख लिया होगा। दिस इज हाउ द बुद्धिस्ट टिबेटियन मोनेस्ट्री। गाइस अभी हम बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में थे, टिबेटियन मोनेस्ट्री। पूरा मार्केट है यहाँ से, वही मॉल रोड वाला। चाइन मोमोज लोकल डिश स्ट्रीट पे। मॉल रोड से पैदल पैदल अपने होटल की ओर आ गया है। अंदर है हमारा होटल। फाइनली अभी मैं मेरे रूम में आ चुका हूँ। जस्ट अभी बज रहे हैं शाम के 6:30 एंड काफ़ी प्लेजेंट वेदर है। बहुत मज़ा आया आज घूमने का। लोकल साइट सीइंग के लिए मैं निकला था आज। अभी हूँ मैं मनाली में, जैसे कि आप लोग सब जानते हैं। सुबह में मैंने मेरे लास्ट होटल द राइडा विला से चेकआउट करके नए होटल जो अभी मैं जिसमें हूँ द मनाली कोर्टयार्ड, विच इज़ अ वेरी प्रीमियम प्रॉपर्टी, मैंने आपको दिखाया वीडियो में। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा मेरा रूम एंड द व्यू। सो अभी मैं हूँ मनाली कोर्टयार्ड में एंड उसके बाद मैं गया था चेक इन करने के बाद हिडिम्बा टेम्पल। हिडिम्बा टेम्पल मैंने आपको एक एक चीज़ बताई, बहुत बहुत प्यारा और बहुत प्यारी जगह यार, बहुत प्यारी जगह, बहुत प्लेजेंट जगह है। मतलब इतनी पीसफुल है ना, आपको इतना पीसफुल लगेगा। माता जी का मंदिर है, दर्शन हुए, बहुत बढ़िया लगा, अच्छा लगा। उसके बाद गए हम लोग गए थे क्लब हाउस। क्लब हाउस का एक्सपीरियंस ऐसा नहीं कहूँगा ख़राब है, अच्छा था, इट वॉज़ गुड, काफ़ी मज़ा आया। बट क्या है मेनली यार, वहाँ पे है ना शॉपिंग के लिए, तो अगर आपको शॉपिंग करनी है तो शायद आपके लिए ज़्यादा काम का, मेरे काम का उतना निकला नहीं। बट हाँ, वहाँ की पिक्चर्स एक दो बहुत बढ़िया आई हैं। मैंने आपको जो बताया था ज़िपलाइन वाला, तो वहाँ पे मेनली लोग ज़िपलाइन ज़्यादा कर रहे थे रैदर के शॉपिंग। तो ज़िपलाइन वाला वहाँ बहुत चलता है, बहुत सारे ज़िपलाइन वाले लाइन में लगे हुए हैं। एंड उसके बाद गए हम लोग गए थे बुद्धिस्ट मोनेट्री, टिबेटियन मोनेट्री, जो नीचे बुद्धिस्ट मंदिर है। तो गाइस वो वॉकिंग डिस्टेंस मॉल रोड से ही है। वहाँ पे अगर आप गाड़ी ना लेके जाओ तो बेटर है। गाड़ी मतलब आप या तो खुद की गाड़ी ला रहे हो तो, या फिर आपने रेंटेड कार करी हुई है, तो वहाँ पे ले जाने का कोई सेंस नहीं है क्योंकि आपका एक घंटा सिर्फ जाम में फंसे रहने वाला हो जाएगा, क्योंकि वो मॉल रोड है, वो पूरा पब्लिक से भरा हुआ रहता है। तो आपकी गाड़ी वहाँ पे बहुत जल्दी पहुँचना मुश्किल है। तो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूँगा कि आप मॉल रोड उतर जाओ और वहाँ से वॉकिंग जाओ। वॉकिंग हार्डली 5 मिनट का रास्ता है और आप मार्केट भी एक्सप्लोर करते करते जा सकते हो, तो वो भी एक अच्छा एक एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो मॉल रोड के बिल्कुल वहीं पे है, तो वहाँ पे भी मैंने आपको दिखाया। वहाँ पे ज़्यादा वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो जितना भी बन पाया उतना मैंने किया। बाहर अलाउड है बट अंदर उतना अलाउड नहीं है, देयर इज़ अ फाइन। और बहुत शांत जगह है बुद्धिस्ट का जो वो है जगह, वो बहुत शांत जगह है। वो आपने वहाँ पे पढ़ा भी होगा और आपको पता भी होगा। तो वहाँ पे ज़्यादा शोर शराबा और यू नो मैं व्लॉग में ज़्यादा बात करूँ या एक एक चीज़ बताऊँ, वो पॉसिबल नहीं था। सो जितना मैंने दिखाया उतना आई होप आपको ठीक लगा होगा। तो अभी बैठ के एक जगह पे बैठ के अपना व्यू एंजॉय कर रहा हूँ। आप देखो यहाँ पे, यहाँ से बहुत बढ़िया व्यू है, मेरे सामने बहुत बढ़िया व्यू है, तो वो व्यू एंजॉय कर रहा हूँ। आई होप गाइज आपको मज़ा आ रहा होगा क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आ रहा है एंड मुझे आपको दिखाने में भी बहुत मज़ा आ रहा है। मैं जो एक एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, जनरली ऐसे मनाली वाले व्लॉग्स, बहुत सारे व्लॉग्स हैं, लाखों व्लॉग्स होंगे। मेरा एक अच्छा मेरा नज़रिए की तरफ से अगर आप देखने जाओ तो मेरा अलग एक्सपीरियंस है। सारे व्लॉगर्स और सारे यूट्यूबर्स का अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, तो मैं मेरा एक्सपीरियंस और मेरा जो नॉलेज है उस हिसाब से मैं आपको बताता हूँ मेरे वीडियोज़ में। और एक एक चीज़ बताता हूँ, पर्पज़ ये होता है आपको व्लॉग में दिखाने का कि मैं आपको एक राइट चीज़ बता सकूँ। एंड बाई एनी चांस अगर आप में से कोई भी मेरा व्लॉग देख के मनाली हो गया या जहाँ जहाँ मैं घूमने जाता हूँ वहाँ जाते हैं, तो आपको एक ऑलरेडी एक एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा। एंड उसके बाद आप उस हिसाब से अपने डिसाइड कर सकते हो डेस्टिनेशंस एंड होटल्स एंड प्रॉपर्टीज़ एंड नो एक्स वाई जेड चीज़ें। तो वही मेरा पर्पज़ होता है व्लॉग बनाने का, और थोड़ा मुझे शौक है व्लॉगिंग का।
आई वॉन्ट यू नो आई लाइक टू व्लॉग माई सेल्फ, आई लाइक टू व्लॉग माई लाइफ, इसलिए मैं व्लॉग बनाता हूँ। तो मैं भी धीरे धीरे यही चाहता हूँ कि मेरी ऑडियंस बढ़ती जाए। अभी धीरे धीरे काफ़ी ग्रोथ दिख रहा है मुझे चैनल पे रेगुलर। लोग यार ऐसे ही साथ बनाए रखना, आप लोग का साथ रहेगा तो और आगे और बहुत लोकेशन से घूमने की इंडिया में एंड इंटरनेशनल भी मेरा प्लानिंग चल रहा है, बट अभी उसका कोई कन्फर्मेशन नहीं है क्योंकि उसके लिए थोड़ा टाइम है अभी। बट इंडिया में अभी बहुत सारी चीज़ें घूमने की हैं तो वो भी कवर करेंगे। जितनी बड़ी ऑडियंस होगी उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। मैं चाहता हूँ हर एक सिटी, हर एक स्टेट, हर एक गांव में मेरे सब्सक्राइबर्स हो, जहाँ मैं जाऊँ वहाँ मिलूँ। इतना प्यारा व्यू लगता है ना यार, इतना रूम से अगर देखने में कितना प्लेजेंट लगता है, मतलब इट्स सो पीसफुल गाइस। इट्स रेनिंग इन मनाली, दिख रही होगी आपको बारिश। तो अभी भाई ठंड बढ़ने वाली है, ताबड़तोड़ ठंड बढ़ेगी। ये देखो यहाँ बादल है पूरे और अभी हो रही है भरपूर बारिश मनाली में। बस यार पानी ना भर जाए कहीं पे, दिख रही होगी आपको बारिश। बारिश बढ़ चुके गई, ये देखो आवाज़ आ रही होगी, आप सुनो जगह। डिनर करके आ चुका हूँ, थोड़ी देर आके मैं सो गया था। बारिश हो रही थी और बारिश के बाद में थोड़ी ठंड बढ़ गई, मेरे को नींद भी आ रही थी तो मैं थोड़ी देर सो गया था। 9 बजे उठा, एग्जैक्ट डिनर के टाइम पे उठा मैं और डिनर करके आ चुका हूँ अभी। एंड रूम पे आया, व्लॉग एडिट कर रहा हूँ, कब से बैठा हूँ यहाँ पे लैपटॉप लेके, तो व्लॉग सारे एडिट कर रहा हूँ और स्केड्यूल में डाल दिए, तो आप लोगों को सब धीरे धीरे सारे व्लॉग्स आ जाएंगे। पार्ट वाइज करें ताकि मैं अच्छे से आपको सारे व्लॉग्स में बता सकूँ, एक्सप्लेन कर सकूँ। आई होप आप लोग को व्लॉग पसंद आ रहे होंगे। एंड अब थोड़ी ठंड बढ़ गई है क्योंकि शाम को जैसे मैंने बताया बारिश बहुत तेज़ हुई थी यहाँ पे। तो जैसे अभी का आपको मैं व्यू चेकआउट कराता हूँ और उसके बाद इस व्लॉग को यही पे एंड करके। देखो गाइस, आपको कैमरा इतना जज करके नहीं दिखा रहा होगा ऑनेस्टली, बट बहुत ब्यूटीफुल लग रही है अभी यहाँ पे। छोटी छोटी लाइट्स, छोटी छोटी जगह पे बहुत प्यारा लग रहा है। आई होप आप लोग को व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करके ज़रूर जाना गाइस। फैमिली के साथ शेयर करना, का अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना लिंक, एंड मेरे चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करवा पाओ उतना हेल्प करना। सो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।